हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है रितो 03 ब्लॉग में। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और कोई भी अपडेट मैं नहीं लेके आ पा रहा था, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अब से हर दिन आपको अपडेट मिलता रहेगा और नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस रिलेटेड, जो कि अभी एक नोटिस जारी किया गया था बिहार पुलिस रिलेटेड कि अगस्त में इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, तो हालांकि अभी तो जून चल रही है, तो जुलाई अगस्त अप्रॉक्स लगभग 2 महीने अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 महीने में आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। इसमें क्या बदलाव आई है इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसमें इस बार सेंटर अपने ही ज़िले में रहेंगे या फिर अदर ज़िले में जाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी मैं बताने वाला हूं, और कब से एग्ज़ाम है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं, और जो क्या स्कोर आप करेंगे जो कि आप सेफ जोन में रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, और NCL EWS के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेके आऊं या कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास जा सके और आप लोगों की जानकारी मिल सके। चलिए, बिना कोई देर किए हुए मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो अगस्त में ही लिया जाएगा। वो कौन से डेट में लिया जाएगा? तो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा आपको 7 अगस्त से लिया जाएगा, जो कि प्रथम पाली ही होगी, मतलब एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। जितने भी डेट में लिए जाएंगे वो सारे एक एक शिफ्ट में ही लिए जाएंगे। पहला जो कि है 7 अगस्त 2024 को, दूसरा 11 अगस्त 2024 को, तीसरा 18 अगस्त 2024 को, चौथा 21 अगस्त 2024 को, फिर पाँचवा 25 अगस्त 2024 को, छठा 28 अगस्त 2024 को, और सातवां सबसे लास्ट है जो 31 अगस्त 2024 को लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें सारे जितने भी डेट है सारे में एक एक शिफ्ट में लिया जाएगा, जिसमें से ना कोई पुलिसकर्मी कोई दिक्कत होगी, ना जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो स्टाफ रहेंगे उनको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में होता है तो ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है दोस्तों, आप लोगों को भी पता है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बदलाव क्या हुई है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, या फिर कोई भी तरह की धांधली होगी या फिर कोई तरीके की वहाँ पे नकलची मिलेंगे तो वहाँ पे जो देख रेख करते हैं जिस ज़िले के जो देख रेख करते हैं वो DM ही करते हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा उस जगह पर, तो उससे आपको धांधली होने की कम संभावना है। चलिए, आप लोगों की जो सेंटर है उस सेंटर आपको जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले में आपका सेंटर रहेगा या फिर अदर ज़िले में, तो हालांकि अधिकतर बार तो जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले में ही सेंटर रहता है दोस्तों, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि उसी जगह पे जिस जगह पे सेंटर था उसी ज़िले में भी सेंटर बनाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार क्वेश्चन वायरल की जो मामला सामने आई है बहुत ज़्यादा आई है, इसके लिए संभावना है कि इस बार अदर ज़िले ही आप लोगों को सेंटर दिया जाएगा। चलिए, आप लोग को जो सेफ जोन क्या रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। सेफ जोन अभी तक की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है दोस्तों रिटेन में, वो आपको 65 से 66 ही गया है। जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, वो 65 से 66 गया, इससे ज़्यादा अभी तक कट ऑफ नहीं गया दोस्तों। 15 की बात कर ले, ये सब सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मुझे यही पता चला है कि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कट ऑफ गया हुआ है वो रिटेन का 65 से 66 गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर सेफ जोन में अगर कोई जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आप अभी जो सेट मार रहे होंगे, जो अभी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, वो आप मान के चले 70 तक आप टच करने का कोशिश करें कि आप मेरा जो स्कोर है वो 70 आ जाए तो आप सेफ जोन में रहेंगे दोस्तों। यदि 70 आप मार्क्स प्लस आप अपना स्कोर कर रहे हैं तो आपको रिटेन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लोग
बेफिक्र होके 70 यदि प्लस स्कोर आप कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आप लोग अपना पैर हाथ खोल लीजिए और अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। अभी से धीरे धीरे फिजिकल तैयारी करेंगे तो आप फिजिकल में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जितने भी जो मेरिट बन रही है, फाइनल मेरिट बन रही है, वो फिजिकल पे ही बन रही है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे अपना फिजिकल भी इम्प्रूव कर सकते हैं अभी से, जो कि 70 प्लस मार्क्स ला रहे हैं वो स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब NCL और EWS के बारे में मैं बात करता हूँ। NCL और EWS के बारे में जो फॉर्म जिस टाइम आप अप्लाई किए होंगे उस टाइम भी कुछ स्टूडेंट NCL और EWS बनाए होंगे, तो उस टाइम बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाए हैं वो भी बना के रखें। लेकिन हालांकि आप लोग सेफ जोन के लिए अभी फिर से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, अभी 2 महीना है, आप लोग का NCL और EWS आ जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 6 महीने नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, अगर 6 महीने ज़्यादा हो गया होगा तो दिक्कत होगी दोस्तों। इसलिए आप लोग अपना पहले से ही सावधानी बरत के रखें और अपना NCL EWS बनवा लें। चलिए मैं फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं, कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप बेल आइकन के दबा लीजिएगा। धन्यवाद।